भैया नमस्ते, और बताओ क्या हाल चाल है। अपना तो ठीक है, तुम बताइए कैसी हो? ठीक ठाक हो ना? हाँ बढ़िया है। देखिए सिस्टर जी, मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छी तरह से। बोला तुम मुझे जानती हो, मगर भैया बाबू नहीं जानते कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाली हो। सही कहा था। भाइयों से अपना नाम परिचय तो बता दीजिए। ठीक है मैं बता दूँ। साथियों मेरा नाम काजल है, मुझसे बड़े भैया जिसका नाम डॉक्टर मदन है, मुझसे बड़ी बहन है जिसका नाम करिश्मा है। वो करिश्मा ने किसी सेठ से प्यार कर लिए, वो भी मेरे भैया के खिलाफ शादी कर ली। जब से करिश्मा ने गई है तब से घर वापस नहीं आई है। पर मैं भैया क्या बताऊं, आज करिश्मा बहन को याद आ रही है। क्यों नहीं बहन है ना, चाहे जिसका बहन भाई बिछुड़ जाता है याद तो आता ही है। आप चैम्बर में बैठ के आराम कीजिए, अगर कोई पेशेंट आएगा तो मैं आपसे मुलाकात जरूर करूंगा। मेरे
मेरे पति ने, मेरे पति ने एक औलाद के खातिर मुझे घर से निकाल दिया है। दीदी भगवान के लिए मेरी जान बचा लो, ये तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं बुलाऊंगी। दीदी दीदी अच्छा ये बताओ, तुम्हारा पति ने एक औलाद खातिर मार के भगा दिए है, ये तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है क्या न जाए? नहीं दीदी, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। अरे मैं ऊपर वाले की कसम खा के कह रही हूँ, यहाँ तक कि अपने कोख में पलते हुए बच्चे की कसम खा के कह रही हूँ दीदी, ये बच्चा हमारे आखिरी मिलन की निशानी है। दीदी मेरी जान बचा लो। दीदी बहन मुझे माफ कर दीजिए, चलो अंदर मैं तुझे आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है दीदी। अगर आज होते तो मुझे इस हाल में देख करके कितने खुश हो जाते। हर जैसे हम जारी दो बच्चे पैदा हुए हैं। पैदा हो गए, बड़ी अच्छी बात है, आपने बड़ी खुशखबरी सुनाया। अच्छा ये बताइए बहन है कहाँ? बहन अंदर है, जाइए बच्चों के ले आया। ओ हो हो, अभी मैं जा रहा हूँ, पहले बहन को बुला कर जाता हूँ, उसके बाद बच्चे वापस मिलो। क्या बात है दीदी, तुम्हारे पति ने एक औलाद खातिर मार के भगाए थे, भगवान ने दो दो औलाद दे दिए तुम्हारे। ये क्या कह रही हो दीदी? सही कह रहा हूँ बहन जी, एक बेटा और एक बेटी ने दिए हैं। दीदी ये तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर भुला नहीं पाऊंगी। दीदी दोनों बच्चों को ठीक है, जाइए। दीदी तुम बहुत अच्छी हो दीदी, मर के
के भी एहसान मैं तुम्हारा चुका नहीं पाऊंगी कभी। आपने इस तरह से मेरी देख रेख की, इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। ये आप बिटिया को पकड़ा, तू अपने बेटवा को पकड़ा, क्या बताई? बड़े दुख की बात है बार, हॉस्पिटल में दूध है नहीं बे, खैर कोनो बात नहीं बाकी, फिर मिल जाए। शिक्षक जी बातें हैं, अपने हॉस्पिटल में जो पंडित दीनदयाल हैं, दवा का पर्चा काटते हैं, मैं उनके पास गया, मैंने कहा गुरु जी शुभ मुहूर्त देख करके बच्चे का आप नामकरण कर दीजिए। पंडित जी पत्रा खोलें, खोलें के बाद देखें, और देखे के बाद नाम बच्चे के रखे हैं, बेटा का नाम पवन और बिटिया का नाम पूजा। मगर अब दूध कहाँ पाए हो? हम दुकान इतना जाबे, हम ही बगलिया जाते राजा तारा में कमलेश भैया नए हैं, उनकर मेहरारू दूध देखी। अरे प्रमोद भैया ये क्या कह रहे हो? भैंसिया है, भैंस भैंसिया है, ऐसी बात है। जब यादव जी सवेरे आवा थे तो दूध जब यादव जी को देखे थे हमको ना दे है? क्यों नहीं देंगे भैया? दस दिन बाद सोचा हम जाते हैं दूधे बड़े तब तक दुआखा सोहर हो जाए। अरे काहे बदेरो मई ललनवा सबेरे घुन घुनवा मंगाई दे भई हो। भगवान करे बनाए रहे बच्चवा, पढ़ाई लिखा नाम उजागर करा। ए भौजी हां कहते लुगवा बच्चवा कर ले ना करा तो करबे बात है। हम कहते मुंह ले काए खोले हम ना मुना, अगर जितना नहीं बोलबे उतना लुगो ऊपर उठाओ। हम हमार भौजी गरमा है का आया हमारे पर पट से मुड़ 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 बाका हम जाब ना जब तक तुम मुन बुना। अगर ज्यादा बोलबे धोती बाप जैसे ना गए था ना जावे तब धो। एकर का भैया रंगी की बिटिया है खोल देता का। ये तो बिहारी जीव भी आई गवा है, आ जाइए तो नहीं घूर मत पहले हम उतारा तब आगे पर बात।
बिना अपने बलामुआ के प्यार ना मिले, एक आँखी के भतरवा नीक ना लगे। बिहारी बाबू बा खूब तराना आजकल छेड़त। प्रणाम भौजी प्रणाम। बात ऐसा हो ना, फिल्म देखत रहनी खेसारी लाल का। अरे फिल्म आजकल देखबे करबे, यहाँ आग लगी आए और खर फेंके शुरू कर दे। बात ऐसा, खेसारी लाल हमारा उस्ताद हो ना। अच्छा हाँ भौजी, का बात हो? का बात है? हाँ भौजी, तोर चेहरा तो ऐसे लटक गए जैसे गर्भवती बिल्ली के पेट। बोल भैया बोल, तो हर समय है। कहा बात है भौजी, तैसे चुचुक चुहारा हो जाता है। ऐसे लगता जरा तो का कुछ मालूम ही नहीं यहाँ, सारा गांव वाले जान गया। हाँ काका, हमारे घर हम किचाहिन तो ना भाई हो। ई कमल किचाहिन मचौले भौजी का भेल? अरे तोका मालूम ना है, दूध दूध अनहरे से भेड़ भाई बे फलानी रहाई कैसे रहाई। सही बात कहत हो भौजी, एक दिन के बाद ससुरा होके तो बर्दाश्त होके, बाप रे बाप, उठते मान दूधों को खाना तो पता नहीं कैसे जिया तानी भौजी। जिए के ना, अब तो का बता दे तोरा जगह, अगर हम मेहरारू होइत ना तो बोला सल्फास खा के तुरंत। आत्महत्या कायर करेला पगली, का करी एन्हना नहर इनके। सही बात हो, का बात हो भौजी, एनाहु जो भी आए हैं कौन दिन ये चला जाते हैं। जात हो में जाई हैं। अरे बिलू ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो, जा जा चल जा चल जा। तोरा जिंदगी बेकार हो गई लिए तम जिंदगी क्या रहा है हमारे। आज का बताई भौजी, पता नहीं ते कैसे बर्दाश्त करत होवे। आज आवत रहली ना भौजी, चार गो मेहरारू चौराहा के बगल जन घरवा ना हो। हां हां, उन बैठ के फुसुर 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 करत रहनी। का फुसुर फुसुर करत रहिन हो? हम कहली का बात हो, केकर चर्चा करत अनी ना लगन। गैनी भौजी ने तो तोर चर्चा होखत रही। हमार एगो मेहरारू मन से कहत रही कि का बताई बहनी, जब धान लगौली ना पहले बार पानी बरस दिले कुल धान डूब गई। अरे बाप रे, तब ओ कनो बक मुंह देखले रहली हमारे। हां भौजी, हमरा मुंह देख का बताई, परसों भैया फोन केले रन की ऐसा हो बहिन, मेला लागी तोरा घरवा ना तो हम आइबे, लेकिन कनमा बहु को सुबह में मुंह देख ले ली। भैया फोन केले बहिन ऐसा हो के रिश्तेदार बीमार भइल बा जात नहीं इलाहाबाद। अरे बाप रे बाप, हमरा मुंह देखे पापा है। हां भौजी, उसे सही बात हो रे, बता के तो नौ नीमन होके भौजी, जरा सा कमी हो जाते तो निक ना लागत हो रे। अगर तू चले भौजी ना, हमरा बात मान भौजी ना, तो तोर भतार फिर से दुनिया देखे लगी। ये कैसे हो? तोरा भतार के फिर से दोनों आंख हो जाए भौजी। कैसे? हमरा बात सुन, ध्यान से मोहन भैया से करता बड़ा प्यार है, कर है प्यार तो दे दे ये दूसरा भी नयन, एक नयन में न जमता तेरा यार है। आज जब तोर भता रही कद सुना ये संया, जब पहले तोहर दू गो आँखी रहल तो बड़ा नीमन लागत रहल, लेकिन एक गो आँखी हमारा निक ना लागत हुआ। ऐसा करा जवन तोहर भाई मोहन जवन पहला बार एक्सीडेंट भइला के बाद अपन आँख निकलवा के एगो दिले बा, ओकर दूसर की आँखिया मांगला और अपना आँख में लगवा ला, ना लगवाइबा ना भाई के मोह माया में पड़ जाइबा ना तो फलानी लूगा उठाई है ना इधर चल। ए बिहारिया का भौजी बताओ, फलानी कौने नहीं हरे जई हैं?
तौरे भौजी तोरा तो नैहर न हरे तू घबरा ना भौजी आज जब तोर भता रही। अच्छा बता भौजी रामलीला देख ले बड़े हम का जानी रामलीला देखा लो सही हो रंडी के कोठा पर रहस लीला हो तो लेकिन हम देख ले बानी भौजी आप देखे हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का बाप रहले जेकर नाम राजा दशरथ रहल राजा दशरथ के तीन गो रानी रहलिन भौजी तीन हाँ तीन मेहरारू रखले रहन पहले का मेहरारू के नाम कौशल्या दूसरकी के सुमित्रा तीसरका कैकेयी कैकेयी वाला रोल तोरा के दे कर रखो भौजी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का 14 बरस का वनवास मांगले रहल त्रेता युग में लेकिन तू कलयुग के नारी होके अपना भतार खातिर एगो आंखी ना मांग सकत हो भौजी आज उन्हें लेट जा जब तोर भतार आई ना जब तोरा का छुई ना भौजी तो कूद भौना गई है हतार जाई ना तो कूद को ना जाई तो कही ये सुने एक नवाजा हमसे ज्यादा से खरा मत हमार बात मनबे कि ना मनबे तोर बतार कही का बात हो दुलहिन का बात हो कहते सुने एक नवा हमरा के तू नीक ना लागत हो अपना भाई मोहन के खिया लगवा ला तबे फलानी तोरा घरवा में रही तोर भतार खिसियाई सकल भौजी तोरा का मारी सकत हो कुछ ना भौजी कुछ पावे खातिर कुछ खोवे के पड़ल एक बार भौजी खाली एक बार भतार के कौन तरह कब्जा में कर भौजी ओकरा बाद तो जिंदगी ओकरा चाहे जब मार भौजी भौजी जब तोर भतार तोरा के मारे लागी ना तो कहे सुन एक कंचो दबाया फलानी अगर चल जाई ही ना तो तोरे घर में हराम ना ये को कुकुरी में आई तब सुन भौजी जब तोर भतार खूब मारी ना तो बड़ा पीना है ना ऐसे तू हमरा दूर रहा तो जैसे हमारा शरीरिया में कांटा लगल हो जाके भतार से बड़ा प्यार से कहिए सुना राजा आजकल का जमाना बड़ा बदल गई बा कजनी कितना मन से दू अपने मेहरारू खातिर मतारी बाप भाई बहन के छोड़ देत तू हो अपना भाई के कोई आखिर ना मांग सकत हो कर लेबे इतना काम ना सारी पिंड निकाल भौजी हाँ निकाल के फेंक सब अरे भौजी तू अपन कीमत ना जाना थारू ना अगर तू चाहले भौजी ना यह ना तू अपना भतार खातिर आंखी ना बल्कि मोहना के जान भी ले सकेला तू अपन कीमत ना जानता थारू हम बता बतारी तू नारी नहीं नहर है हाँ तू नारी नहीं नहर है और है हीरो की थान नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान नारी से तीन गए भौजी नारी से तीन गए चला न जेकर वंश हरिड़ा कश्यप रावण और कंस नारी के नैन के बाण से जो नर घायल हो कित प्राण तजय कित घर तजय दू में एक तय बाघन के नाखन बसे बाघन के नाखन बसे और दांते बसे भुजंग अब बिच्छू के पूछी बसे नारी के हर अंग नारी स्वभाव सत्य कर कही अवगुण आठ सदा उड़ रहे तोहरा जैसन मेहरारू के अंदर आठ अवगुण हर वक्त रहत हो भौजी एक अवगुण चलेबे हुई एक अवगुण में तोर कनवा भतार फंस के मर जाई काहे क्रिया चरित्रम पुरुष से भाग्यम दयो न जानम कुतो मनुष्य है तोरा के चरित्र का जौन भगवान पैदा के लिए वो न जान पाए तो तोर कनवा भतार का जान पाए लेट जा कनवा आवत हो जाई छे के तारी हम मत भौजी हम बाबू तोरा साथ साला एक हर एक पूरा भंगार दिख रहा है सारा सामान खड़ा हुआ है भैया प्रमोद भाई बोले ऊपर का हम देखे थे नीचे का बहुत खबर नहीं करी कब है नीचे नहीं देखा कब है कब है कोई बात बस
देख यार, मैं जब भी कभी आता था फैक्ट्री से घर, तो ममता दौड़ करके मेरे गले से लग जाती थी। अबे इतना चाहो तो ममता कर रहे हो तो छोड़ के ना जाओ। ममता ना ही फकीर करे होते, ममता भौजी कहाँ कहाँ कहो। बात क्या है यार, इसकी तबीयत वगैरह खराब है क्या? भैया देखा तोरे घर के बात है भाई, हम कहूँ ना ऐसे की पूछा ए भैया हल्ला चिल करा। देखा संगीत नगर डिस्टर्ब करो मजा बकाल हो जाए। भैया पता करा का बात है, कहे गुस्सा नहीं इनका चार पाइप रह जाए भूल मिल जाती है। बात क्या है ममता, इतना गुस्से में? हम कहा था हमारे नजर सामने चला जा तो हर सकल देखा पाप हो, हम तो हर सकल नहीं देखे चाहे। एक बात बोलूं ममता, मैं तुम्हें प्यार से कह रहा हूं तुम मेरी सकल पर जा रही हो, बात क्या है खुल के बोलो। तेरा चांद सा चेहरा क्यों उतरा है गोरी, अरे हकीकत बताओ छुपाओ ना गोरी। जो इतना गुस्से में हो बोलो, किसी ने कुछ कहा है? सुनिए मेरी बात फिर। अरे मुझे ता ना मारे ये सारा खुश रहेगी तुम्हारी जनाना तभी खुश। क्या बोली? अरे मोहन की एक आंख मांग लीजिए, आप सलामत रहेंगे, दोनों हाथ से देखेंगे। मोना वैसे बैठ के एक टाठी खाता है, वैसे खाता है। पगला गिव का भैया की संगत है, पगला गिव का प्रमोद हमारे पगला इन गई है। देख इसको, चंद लोग जानते हैं कि मेरी एक आंख में रोशनी नहीं है और जो दूसरी आंख से मैं देख रहा हूं वो मेरे मोहन की बदौलत है। देखने पर क्या कोई मुझे कह सकता है क्या कि मैं एक आंख का अंधा हूं? बिल्कुल नहीं भैया, एक आंख दिमागवा बन रहा है कि मैं कहा भाई सोच यार प्रमोद की वो मेरा भाई पगला ही भाई है। मेरी जिंदगी को सजाने और संवारने के लिए अपनी एक आंख दे दिया। हां भैया सही कह भैया,
और ये कह रही कि उसकी दूसरी आंख भी मांग लो। तू अपने मुंह को आराम दे। अब ये साली बोले बोल साली। यहां से जाएगी कि नहीं? नहीं साली यार। अच्छा काहे तू मारा था पगलाए उगला गया था? क्या बोली कनावा? देखा स्वामी जी कौन गलत नहीं कहते तन ही आया हमार दिल फरानिक बात है तई खाय आई जना तो अपने बहन के देखवारी करे आई है हमार बहन जहां बात कहां ही जना आई बात समझू देखा अरे सुनबे हमार बात सुन पहले का सुनोबे का सुनोबे का सुनोबे देखा सुगाओ मेहरारू को बात माने रहबे एकदम ठीक ठाक शराब और शरीर बने चौचा देखा हिया मेहरारू कहे भाई बाप महतारी सब क्यों छोड़ दे मेहरा साले मेहरा तो से बड़ा क्यों मेहरा ना आया जाने देखा हम कौनो चीज मानन नहीं बस ओकर रखिए मांगत है करेजा नहीं मांगत है यहां तू करेजा मांगा कुछ मांगा तोहार कौनो भरोसा नहीं
तू जेतनी जल्दी हो दादा पिटिर पिटिर जिल लगाए रहा अगर फलानी चली गई ना तो तोहरे खिया एक ही कुकुरी उन्हें आई हा एक बार जान हूँ कुकुर रख ले मगर तो कन्ना एक कुत्ता हवाई यहाँ तैयार हुए हुआ ले फाइल मारे से बुझेरिया नाश कहीं भी एक काम करा भाई प्रमोद भैया आज ये बहुत बड़ी बात बोल गई। अरे जिस भाई ने अपनी जिंदगी को नहीं देखा, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा कि आने वाला कल मेरा कैसे होगा, कोई मेरी भी शादी के लिए राजी होगा कि नहीं होगा, उसने अपनी आंख निकलवा कर मेरी इन अंधी आंखों को रोशनी दी और मैं उसी भाई की दूसरी आंख भी मांग लू। काम करो, अब हम लोग शादी करेंगे ही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। काम करो भाई साहब, तू हम कर रख ले, हम तो कर रख ले। अरे तो उतार अब जूता, भीषण जूता हमारा वही तो काहे काहे साले दिमाग खराब है, तू हमको रख ले मैं तुझको रख लो। मतलब यार समझे का यार राखन कहियो राखा बहुत है, काहे के मतलब हम तोहार नौकर है ली ही सब ना जिसे बने किया उसे बने किया तू फैक्ट्री देखा हम घर द्वार देखा एक बुजुर्ग जाता है जाए जा आज फैक्ट्री जाना चले 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 चले।